तो कैसे हो आप सब, इंदौरी बाकी सभी को राम राम। तो क्या हाल चाल, फटाफट से बात करें मालूम आज ऐसे नेक बैंड के बारे में जो अभी मार्केट में काफी ट्रेंड में है और मालूम पड़े कि आपको इसकी वजह की क्यों ट्रेंड में और क्यों इतना ज्यादा पॉपुलर हो रखा है ये। तो वैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ट्रिगर के बेस प्लग्स के बारे में। वैसे आप बेस प्लग्स नाम सुन के सोच रहे हो कि इसमें बहुत सारा भर भर के बेस दे रखा है, तो यस इसमें भर भर के बेस दे रखा है, जिसके बारे में आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। बट पहले खोलेंगे अपन इसके डब्बे को और देखते हैं कि क्या कुछ आपको हमें मिलता है। तो डब्बे की पैकेजिंग नॉर्मल कर रखी है, यहाँ पे ऑरेंज और व्हाइट इंडिया जो ट्रेडिशनल है, मेड इन इंडिया लिख रखा है बॉटम में और आपको यहाँ पर पीछे कुछ की हाइलाइट्स दिख जाते हैं। कंटेंट पैकेज के तौर पर आपको सबसे पहले आपका नेकबैंड मिल जाता है, इसके अलावा एक चार्जिंग केबल मिलेगी और कुछ एक्स्ट्रा सिलिकॉन की एयर टिप्स दे रखे हैं। बाकी पेपर वर्क कुछ भी दे नहीं रखा है, उसके लिए आपको एक क्यूआर कोड दे रखा है, उसको स्कैन करेंगे तो आपको मैनुअल वगैरह और वारंटी वगैरह जो भी है वहां पर देखने को मिल जाती है। बट बात करूंगा मैं यहाँ पर सीधे इस डिवाइस को लेकर, यानी कि डिजाइन की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो दिखने के मामले में काफी ज्यादा स्टाइलिश है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे यहाँ पर नोटिस हुई कि काफी लाइट वेट है, 27 ग्राम के आसपास लगभग आप उसका वेट यहाँ पर दे रखा है। और इंपॉर्टेंट चीज ये कि काफी मोल्डेबल, आप इसको पूरे से मोल्ड कर सकते हो, किस तरीके से भी इसे रख सकते हो, पॉकेट में भी कैरी करना आपके लिए काफी इजी हो जाता है और कुछ भी आपके जो डिवाइस है उसको दिक्कत नहीं होने वाली है। प्रॉपर तरीके से जिसका नेक वाला पोर्शन दे रखा है, ये पूरा आपको जो है मोल्डेबल दे रखा है। बॉडी हेड की अगर बात करूं तो प्लास्टिक हेड्स आपको यहाँ प्रोवाइड कर रखे हैं, एक साइड पर आपके सारे बटन्स दे रखे हैं यहाँ पर और एक साइड पर आपको ट्रिगर की मस्त ब्रांडिंग कर रखी है। टेक्सचर भी दे रखा है इसमें हल्का सा, जो आपको एक अच्छा फील भी देता है। बट वायरिंग को लेकर बात करूं तो वायरिंग की क्वालिटी काफी अच्छी है और आपको हाई क्वालिटी वायरिंग के साथ यहाँ पे मैग्नेटिक ईयर टिप्स प्रोवाइड कर रखे हैं और मैग्नेटिक ईयर टिप्स जो है कुछ इस तरीके से चिपक जाते हैं, ये देखो। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कंफर्ट होता है, यानी कि जो फिटिंग वगैरह है उसको लेके मैं स्पेशली बात करूँ यहाँ पे, तो कान में काफी अच्छे से फिट हो जाते हैं और अगर आप लंबे समय तक इनको पहन रहे, यूज कर रहे फॉर द मूवीज वगैरह और ऑल, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली, काफी अच्छा कंफर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा इसमें। तो ये डिवाइस डिजाइन के मामले में नो डाउट काफी अट्रैक्टिव है और काफी सही लगा मुझे। बट इंपॉर्टेंट चीज बात करेंगे इसकी फीचर्स को लेकर, फीचर्स पर अगर बात करते हैं इस डिवाइस की, तो सबसे पहले मैं आपको अमेजिंग फीचर के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको वन टच गूगल असिस्टेंट, यानी कि आपका जो भी असिस्टेंट होता है, बिक्सबी हो गया, सीरी हो गया, गूगल हो गया, उसका आपको वन टच असिस्टेंट यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि एक सिंगल प्रेस पे आप उसको एक्सेस कर सकते हो, जिसकी मदद से आप इस पे कुछ भी कमांड्स वगैरह दे सकते हैं। म्यूजिक वगैरह आपको प्ले करवाना है, ऑन ऑफ कराना है, तो आप यहाँ पे सारी चीजें कर पाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि ये नेकबैंड में आपको डुअल डिवाइस पेयरिंग भी देखने को मिल जाती है। तो अगर आपके पास लैपटॉप है और आप लैपटॉप से भी कनेक्ट करना चाहते हैं, मोबाइल से भी कनेक्ट करना चाहते हो, तो साइमल्टेनियसली जो है शिफ्ट हो जाता है। सपोज आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और कुछ गाने वगैरह सुन रहे हो, सडनली आपको अगर फोन पे कॉल आता है तो ये ऑटोमेटिक फोन कॉल पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ पे आपको मिलता है। एक और जो खास फीचर यहाँ पे मुझे लगा कि इसमें आपको इजी स्विच ऑप्शन दे रखा है, यानी कि आप म्यूजिक मोड से गेमिंग मोड में काफी इजीली स्विच कर सकते हो और यहाँ पे आपको लो लेटेंसी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है नेकबैंड में। तो अगर आप गेमिंग के टाइम पे इसको यूज कर रहे हैं, आप काफी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि बीजीएमआई खेल रहे हो या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हो, काफी मजा आएगा आपको। इमर्सिव कहने का साउंड भी यहाँ पर आता है, यानी कि जो लेफ्ट राइट का चैनल का परफॉर्मेंस है वो भी काफी सही सेट है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो किसी भी नेकबैंड के लिए जरूरी होती है, यानी कि साउंड क्वालिटी परफॉर्मेंस। अब इस नेकबैंड की क्वालिटी को लेकर मैं पर्सनली बात करूं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली और बेस जो है ऐसा काफी ज्यादा रिच। और अगर आप एक बेस लवर हैं, आप इसे डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं होने वाले, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बेस एक्सपांड टेक्नोलॉजी का यूज कर रखा है, जिसके चलते आपको एक रिच बेस यहाँ पे सुना जाता है, एक डेप्थ बेस आपको यहाँ पे फील होता है। अगर आप कोई भी म्यूजिक सुन रहे हैं, ईडीएम म्यूजिक वगैरह सुनने का अगर आप बहुत शौक रखते हैं, आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। और अगर आप बेस लवर है तो नो डाउट आप बहुत ज्यादा इससे इंप्रेस होने वाले हैं। तो नो डाउट साउंड क्वालिटी तो काफी इंप्रेसिव है, बट मैं बात करूंगा कॉल क्वालिटी परफॉर्मेंस को भी, क्योंकि कॉलिंग के टाइम पे हम लोग मोस्टली नेकबैंड वगैरह का यूज करते हैं और यहाँ पर क्या परफॉर्मेंस आपको बेहतर मिलने। तो यहाँ पर आपको MEMS माइक्रोफोन दे रखे हैं, जो एनवायरमेंट की नॉइस को कैंसिल करते हैं, ताकि कॉलिंग के टाइम पे एकदम क्लियर आवाज आपकी सामने वाले को जाए। इवन आपको ट्रूकॉम टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिसके चलते क्लैरिटी आपकी और भी एनहांस हो जाती है, यानी कि कॉल्स के टाइम पे या फिर रिकॉर्डिंग में अगर आप कुछ कर रहे हैं नेकबैंड से, आपको क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी मिलती है। ठीक है, मैं आपको एक बार टेस्ट करके भी यहाँ पे सुना के दिखा देता हूँ। गाइस अभी जो आवाज सुन रहे हैं वो नेकबैंड से आ रही है, तो किसी की परफॉर्मेंस इन नेकबैंड देखिए जब भी आप इसको कॉलिंग के टाइम पे इस्तेमाल करें। ऑल्सो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं या वर्कआउट करते हैं, तो भैया उन लोगों के लिए यहाँ पर वाटर रेटिंग भी दे रखी है, तो आप इसको बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हो और आप अपना म्यूजिक वगैरह एंजॉय करके काफी अच्छे तरीके से वर्कआउट कर सकते हो। पर आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि यार चार्जिंग के बारे में क्या कहना है इस डिवाइस के बारे में। तो आप मानोगे नहीं, ये 5 मिनट के अंदर आपको 12 घंटे का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर सकती है। इसमें जो है फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी का यूज कर रखा है। और अगर इसकी मैं सिंगल चार्जिंग परफॉर्मेंस की बात करूं, तो यहाँ पर आपको 40 आवर्स का बैकअप देखने को मिल जाएगी, 40 आवर्स ऑफ प्ले टाइम मिल जाता है अगर आप इसमें म्यूजिक वगैरह एंजॉय करना चाहते हैं। वो डिफर करता है वो किस तरीके से आप इसको यूज कर रहे हैं, किस वॉल्यूम पर यूज कर रहे हैं, तो यानी कि लगभग आप 40 आवर्स का प्ले टाइम यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस डिवाइस से। तो अब इन सब चीजों समझ में आएगा कि यार ये प्रोडक्ट मार्केट में इतना डिमांड में क्यों है। बट एक और जो खास चीज आपको बताऊंगा, जिसको सुन के आपको और लगेगा कि नहीं यार ये प्रोडक्ट तो मेरे पास भी होना चाहिए, तो ये प्रोडक्ट आपको मात्र 599 रुपए मिल जाएगा, यानी कि 600 रुपए की प्राइसिंग में डिवाइस आता है, जो अल्टीमेट फीचर से पैकडअप है। और ट्रूली बोलूं, इसकी साउंड क्वालिटी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। और आप
अगर एक नेकबैंड खरीदने का मन बना रहे और बजट भी आपका उस तरीके का है कि आप ज्यादा एक्सपेंड नहीं करना चाहते, तो ये परफेक्ट नेकबैंड है अगर आपको खरीदना है तो फटाफट से जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा लगा ये वीडियो आपको तो फटाफट से लाइक कर देना, दोस्तों का शेयर कर देना और यस डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट, कुछ भी अच्छा कमेंट कर देना, खुशी मिलती है जब आप कमेंट वगैरह आते हैं। मिलेंगे जल्द बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिटिंग रहेगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।